हेलो गाइस, प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर फ्रेजल वर्ब्स का एक शानदार लिस्ट लाया है जिनसे अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो आज मैं ऐसा लिस्ट लेकर आया हूँ जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी लाभदायक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं फ्रेजल वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं। तो फ्रेजल वर्ब का हिंदी होता है मुहावरेदार क्रियाएं। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो मुहावरेदार होते हैं, मतलब कुछ मीनिंग हटकर होते हैं। आप देखेंगे सी का मतलब देखना होता है, जब इसमें एक प्रीपोजिशन थ्रू जुड़ गया तो उसका मीनिंग बिल्कुल ही बदल गया, फिनिश हो गया। ठीक है, फिनिश, तो ये मुहावरेदार क्रिया कहलाएगा। सी का मतलब देखना होता है लेकिन यहाँ कुछ अलग ही मीनिंग हो जाता है, तो ये कहलाता है फ्रेजल वर्ब। तो आज मैं कुछ ऐसा ही लिस्ट लेकर आया हूँ जिसमें लोग अक्सर फंस जाते हैं बनाने समय। चलिए शुरू करते हैं। सी थ्रू, जिसका मतलब है फिनिश समथिंग, मतलब समाप्त करना है, किसी चीज को समाप्त करना, कोई काम को समाप्त करना। नेक्स्ट है सिंक इन, मीन्स बी फुली अंडरस्टूड, मीन्स पूरा समझना। स्टिक अप फॉर मीन्स डिफेंड, बचाव करना, डिफेंड मीन्स बचाव करना होता है। फ्रेजल वर्ब में क्या हो जाएगा, स्टिक अप फॉर हो जाएगा। Talking to means persuade someone, किसी को राजी करना, किसी को मनाना, मनाते हैं ना किसी को, तो उसको talking to करते हैं, उसको बतिया करके मनाते हैं, talking to करते हैं। Taking क्या है, learn है, इसका मतलब learn होता है। Deceive a person होता है, जिसको हम कहेंगे सीखना या किसी व्यक्ति को धोखा देना। Take up means begin, शुरू करना। डिस्कस, चर्चा करना। ऑक्यूपाई, जगह लेना। टियर डाउन मीन्स डिस्ट्रॉय, ठीक है, टियर मीन्स आंसू होता है, टियर डाउन मीन्स डिस्ट्रॉय या बर्बाद करना। टेल ऑफ मीन्स क्रिटिसाइज, ये बहुत बहुत ही पेपर में आते हैं, न्यूज पेपर में अगर आप पढ़ें तो ये बहुत ही आते हैं, टेल ऑफ क्रिटिसाइज, इसको आलोचना करना कहेंगे। थिंक थ्रू, कंसिडर केयरफुली, सावधानी से विचार करना। थिंक अप मीन्स इन्वेंट ए फॉल्स स्टोरी, झूठी कहानी बनाना। ओके, इन्वेंट ए फॉल्स स्टोरी, नकली कहानी बनाना जो सही नहीं है, सच नहीं है। टचअप करना मतलब मेक द फाइनल इम्प्रूवमेंट, अंतिम सुधार करना, मतलब इसके बाद सुधार नहीं करना, ये अंतिम सुधार हो जाता है, टचअप करते हैं। तो टर्न अवे मीन्स रिफ्यूज टू डील, समझौता न करना, रिफ्यूज कर देना, ठीक है, इनकार कर देना समझौता करने से, टर्न अवे कहलाएगा। टर्न आउट मीन्स इंड अप या स्विच ऑफ या प्रोड्यूस, मतलब समाप्त करना, ठीक है। स्विच ऑफ का मतलब ही कनेक्शन काट देना होता है, स्विच ऑफ जानते हैं, स्विच ऑफ द फैन वगैरह होता है। प्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न करना। टर्न अप बहुत ही इंपॉर्टेंट, टर्न अप फाइंड अनएक्सपेक्टेडली या फिर इंक्रीज द वॉल्यूम, इसका मतलब होता है अचानक मिलना या फिर वॉल्यूम बढ़ा देना, आवाज बढ़ा देना, टर्न अप, ठीक है, याद रखेंगे टर्न अप। नेक्स्ट है यूज अप, यूज ऑल ऑफ समथिंग, समूचा उपयोग करना, किसी चीज का उपयोग करते हैं, समूचा कर लेते हैं हम उपयोग, तो हम लोग यूज अप कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिस्ट देखेंगे, ब्रेक ऑफ मीन्स इंड समथिंग, ब्रेक ऑफ, एक ब्रेकअप सुने होंगे, ब्रेकअप कर लिया, गाना था ब्रेकअप, वो होता है ब्रेकअप जो होता है वो होता है रिश्ता तोड़ना होता है, कुछ समय के लिए रिश्ता को तोड़ देना, तो ब्रेकअप होता है। ये है ब्रेक ऑफ, इसका मतलब इंड समथिंग, समाप्त करना। नेक्स्ट है ब्रेक आउट, अपियर वायलेंटली, उग्र हो जाना। ब्रिंग अराउंड मीन्स चेंज समवन्स माइंड, मतलब मन बदलना। ओके, बम्प इनटू ओके, मीट बाय एक्सीडेंट, अचानक मिलना किसी से जब अचानक मिलते हैं तो बम्प इनटू कहेंगे। जैसे I bumped into my friend in the market, मतलब मैं बाजार में अपने दोस्त से अचानक मिल गया। नेक्स्ट है buy up परचेज इंटायर, सब खरीद लेना। ओके, सब खरीद लेना buy up। कॉल फॉर, रिक्वायर मीन्स जरूरत होना। कॉल ऑफ, कैंसिल, रद्द करना। कैरी ऑन अक्सर स्कूल में बोलते हैं, जब कोई बच्चा अच्छा करता है तो टीचर्स बोलते हैं यस कैरी ऑन गुड कैरी ऑन, दिस इज कंटिन्यू, जारी रखो बोलते हैं, जारी रखो। कैरी आउट, कंप्लीट समथिंग, पूरा करना। डेक आउट इन या फिर डेक आउट विथ, इसका मतलब होता है ड्रेस और डेकोरेट, दोनों का मतलब सजाना होता है, ड्रेस अप करते हैं ना हम, तो सजाना होता है।
डाई अवे या डाई डाउन, इसका मतलब होता है डिमाइनिश इन इंटेंसिटी, मतलब कमजोर करना, इंटेंसिटी में कमजोरी लाना, डिमाइनिश। डाई ऑफ या डाई आउट, दोनों का मतलब होता है बिकम एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो जाना, जैसे बहुत सारे जानवर जो विलुप्त हो चुके, डायनासोर है बिकम एक्सटिंक्ट, तो इस तरह से विलुप्त होना के लिए डाई ऑफ या डाई आउट यूज करेंगे। डिस्पेंस विथ, डिसाइड टू डू विदाउट समथिंग, मतलब काम करने का निर्णय लेना, और अभी किसी चीज के बिना ही, ठीक है। ड्रिफ्ट अपार्ट, बिकम लेस या एंड लेस क्लोज, मतलब दूर होते जाना, बिकम लेस एंड लेस क्लोज, दूर ही बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, वो ड्रिफ्ट अपार्ट होता है, ठीक है। केवल ड्रिफ्ट का मतलब बहना होता है, या अलग होना भी होता है। डू ओवर, डू ओवर मीन्स रिपीट, दोहराना, डू ओवर करते हैं हम लोग, रिपीट करते हैं उसको, दोहराते हैं। ड्रॉप इन या फिर ड्रॉप इन ऑन का मतलब होता है विजिट समवन अनएक्सपेक्टेडली, मतलब अचानक किसी के घर जाना। नेक्स्ट लिस्ट देखते हैं, ये सारे लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत ही काम आएंगे। गेट बाय, गेट बाय या फिर गेट बाय विथ, इसका मतलब होता है सर्वाइव विदाउट समथिंग, किसी के बिना ही जिंदा रहना, ठीक है। हैंग अराउंड या फिर हैंग आउट, स्टे इन अ प्लेस फॉर फन, बस मटरगस्ती करना, बोलता है ना हैंग अराउंड करते हैं, बहुत लोग बस यूं ही घूमते हैं बिना कुछ काम धाम के, वो हैंग अराउंड करते हैं। होल्ड आउट, होल्ड आउट मीन्स कंटिन्यू टू रजिस्ट, विरोध करते रहना, होल्ड आउट, कंटिन्यू, रजिस्ट। नेक्स्ट है हिट ऑन या हिट अपॉन, इसका मतलब होता है फाइंड अनएक्सपेक्टेडली, अचानक मिलना। हेड फॉर, मूव इन अ सर्टेन डायरेक्शन, एक दिशा में आगे बढ़ना। आयरन आउट, आयरन आउट मीन्स रिसॉल्व या फिर एलिमिनेट, या फिर एलिमिनेट डिफरेंसेस मीन्स समाधान करना या भेद मिटाना। नेक्स्ट है आइडल अवे, आइडल, आइडल का मतलब होता है लेजी बोलते हैं, जो कोई काम वाम नहीं करता है, तो आइडल अवे का मतलब होता है वेस्ट टाइम, समय गंवाना। इंडल, इंडल इन ना, इंडल इन का मतलब है अलाउ वनसेल्फ टू एंजॉय समथिंग, लिप्त होना, किसी चीज में हम लिप्त होते हैं, एंजॉय करते रहते हैं, उसी में हम खो जाते हैं, तो इंडल इन कहलाएगा। नेक्स्ट है जैकअप, जैकअप मीन्स रेज करना, रेज करना उठाना भी होता है, और पालना, पालन पोषण करना भी होता है रेज का मतलब। नेक्स्ट है जॉट डाउन, जॉट डाउन मीन्स टेक क्विक नोट्स, जल्दी से लिख लेना, जैसे कुछ टीचर्स लिखवा रहे हैं तो हम उसको जॉट डाउन कर लेते हैं, नोट डाउन भी हम लोग बोलते हैं, नोट डाउन, ये जॉट डाउन भी कहलाता है। जोक अराउंड, टू बी ह्यूमरस, हंसी मजाक करना, जोक अराउंड, ओके, जोक तो जानते ही होंगे, जोक अराउंड मीन्स टू बी ह्यूमरस, हंसी मजाक करना। जंप टू, मेक अ क्विक डिसीजन मीन्स जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना, ठीक है। जंप टू, कीप अराउंड, हैव हैंडी, पास में रखना, ठीक है, पास में कोई चीज हम रखते हैं, कलम वगैरह रखते हैं, पैसे रखते हैं, तो वो कीप अराउंड कहलाएगा। कीप अवे, होल्ड बैक, ठीक है, रोके रखना, कीप अवे, रोके रखना, दूर रखना भी होता है कीप अवे। कीप ऑफ या फिर कीप आउट, प्रिवेंट फ्रॉम इंटरिंग मीन्स प्रवेश करने से रोकना, कीप ऑफ, कीप आउट।